मेरी खास बात क्या थी पता है अरविंद अरोड़ा, यानी कि मेरी खास बात आपके एटू सर की खास बात ही यही थी कि मैंने अपने आप को कभी बांधा नहीं कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं। क्यों? मैं कुछ भी कर सकता हूं दुनिया में। मैं झाड़ू लगा सकता हूं, पोछा लगा सकता हूं, अपने घर पे भी मैं पोछा लगाता हूं क्योंकि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। 5 मिनट अगर पोछा लगाते तो वर्जिश भी हो जाती है यार, एक्सरसाइज करने बाहर नहीं निकल सकते, चलो पोछा ही लगा लेते, क्या बुरा है यार, काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। मैंने अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। आज यूट्यूब पे मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं। मैं अगर मेरे पास मेरा कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए तो वो काम मैं खुद भी कर सकता हूं। मुझे थंबनेल बनानी आती है, मुझे वीडियो एडिट करनी आती है, मुझे लाइव स्ट्रीम करनी आती है, मुझे पीपीटी बनानी आती है। पता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कहते हैं कि मुझे तो साहब यही काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने यानी कि आपके एटू सर ने, मैंने हमेशा ये सोचा कि स्किल स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। स्किल स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया कि हर चीज काम आती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक बनिया परिवार में अरोड़ा हूं, मैं बनिया परिवार में पैदा हुआ और वो हमें रग रग में सिखाया जाता है, हमें खून में सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसा कमाना है और स्किल का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने अपने आप को सीखने से कभी रोका ही नहीं। मुझे छोटे से काम से लेके बड़े से बड़ा काम आता है और अगर आज मैं कहीं फंस जाऊं ना तो मुझे पता है उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इसीलिए आज मैं इतना कामयाब हो पाया, इसलिए मैं आज इतना समझ पाया, इसीलिए आज मैं यहां पर पहुंच पाया। और आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि आज वक्त है अपनी सोच को बदलने का और अपने आप से ये कहने का कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहले नंबर दो कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है या मैं यही कर सकता हूं, ये आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। और आप समझ लीजिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता। कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी, आप खुद बताओ कि क्या यह सच बात नहीं है? कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी, क्या यह सच बात नहीं है? आपके सामने बहुत सारे लोगों की जॉब गई होंगी, इनफैक्ट आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि हाँ यार कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई, अगर मैं थोड़ा समझदार होता या मैंने अपने अंदर एक स्किल पैदा कर ली होती शायद मैं आज घर पे बैठ के कमा रहा होता।